हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीकोड एग्जाम डिफेंस। मैं आपके सामने आज वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जो आपके एनडीए के एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से समझिएगा इस वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को, जल्द ही आपके कॉन्सेप्ट वाइज सेशंस जरूर आएंगे। ओके, और एनडीए के ऊपर हमारा फोकस बना हुआ है, सो डोंट वरी अबाउट इट। वेन डायग्राम से मैं क्यों लेके आया हूं, क्योंकि याद करिए आपका जब 6 सितंबर का पेपर होने वाला था उससे ठीक पहले भी मैंने वेन डायग्राम के ऊपर सवाल कराए थे, और जस्ट 2 डेज आफ्टर यानी उसके 2 दिन बाद आपका एनडीए के एग्जाम में 2020 के जो 6 सितंबर का एग्जाम था उसमें वेन डायग्राम के ऊपर सवाल पूछ लिया गया। तो दैट्स व्हाई वी आर कीप एम्फसाइजिंग ऑन दिस टॉपिक। तो आज मैं आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, और आज के सेशन में मैं आपको उस 2020 के सवाल को भी करवाऊंगा। ध्यान से समझिएगा, उसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस देखिए, यहां पर आपको करना क्या है, वेन डायग्राम 3 सेट का, खासकर ध्यान से समझिए 3 सेट का वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखिए, लेट्स सपोज कि ए बी और सी तीन सेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये उनके एलिमेंट्स हैं। तो अब अगर हम बात करें यहां पर अगर हम बात करें इन सेट्स की, तो हमें जो दिखाई देगा वो क्या दिखाई दे रहा है। अगर हम ओनली ए की बात करें तो ओनली ए जो आपका दिखाई देगा वो ये दिखाई देगा। ओके, ओनली ए, माफ करिएगा, ओनली ए जो आपको दिखाई देगा वो 1 दिखाई देगा। जबकि अगर ए सेट की बात करें तो 1 के साथ 4 6 7 भी रहेंगे। सिमिलरली बी की बात करें तो वो रहेगा 2 5 6 7। ओके, सिमिलरली सी की बात करें तो वो रहेगा 3 4 5 6। ऑलराइट, तो ये आपके क्या है, ए बी सी के सेट हैं और ये उसके एलिमेंट्स हैं। अब अगर हम बात करें ओनली ए की बात करें तो ओनली ए 1 है, सिमिलरली ओनली बी 2 है, ओनली सी 3 है। अगर हम बोथ ए बी की बात करें तो आपको पता है इसमें कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, यानी बोथ ए बी की अगर हम बात करेंगे तो कंसीडर किया जाएगा ये पूरा पोर्शन, ठीक, यानी 7 और 6। सिमिलरली बोथ बी सी की बात करेंगे तो 5 और 6। सिमिलरली बोथ ए सी की बात करेंगे तो 3 और 4। बट बात यहां पे समझिए, हम बात किसकी कर रहे हैं, ओनली ए बी की अगर हम बात करें तो ओनली इटसेल्फ इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट। कैसे, ओनली ए बी का मतलब है ए एंड बी, बोथ ए एंड बी बट नॉट सी। तो यहां पे ध्यान से समझिएगा, ओनली ए बी का मतलब है कि सिर्फ ए बी होगा, सी नहीं होगा। तो अब यहां पर अगर ए बी को देखें तो हमें गिवन था क्या, 7 6, बट सी अगर नहीं है तो ये 6 को रिमूव करना पड़ेगा और वो वैल्यू सिर्फ 7 होगी। इज दैट क्लियर। तो सिमिलरली अगर हम बोथ ओनली बी सी की बात करें तो वो 5 होगा, और ओनली सी ए की बात करें तो वो 4 होगा। जबकि अगर हम ऑल द 3 की बात करें तो वो एक ही है क्या, 6। ओके, तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तो आपके सामने ये जो सेट था, मैं एक बार क्लियरली मेंशन करे दे रहा हूं, ध्यान से देखिए एक एक करके, ए बी सी 1 2 3 4 5 6 7, चलो 7 मैंने मिडिल वाला इस बार कर लिया है, ध्यान रखना, ओनली ए 1, ओनली बी 2, ओनली सी 3। ओके, बोथ ए बी हो जाएगा 6 7। ओके, बोथ बी सी की बात करें तो वो हो जाएगा आपका 5 7, बोथ सी ए की बात करें तो 4 7, जबकि ओनली ए बी की बात करें तो 6, ओनली बी सी की बात करें तो 5, ओनली सी ए की बात करें तो 4। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ऑलराइट, चलिए अब हम चलते हैं इस साल के सवाल के ऊपर। तो ये आपका क्वेश्चन था जो एनडीए 2020 के एग्जाम में पूछा गया था, हमें वेन डायग्राम का वैल्यू दिया हुआ था। ये ए है आपका, जरा गौर से देखिए, जस्ट अ मिनट, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी है,
और हमें दे रखा है डायरेक्शंस. ओके, कंसीडर द फॉलोइंग वेन डायग्राम, एक्स वाई जेड आर थ्री सेट्स एज गिवन. लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स जेड बाय डिनोटेड बाय एन जेड विच इज इक्वल टू 90. तो ये जेड जो कंप्लीट जेड है ये 90 के बराबर है. यानी अगर हम यहां से गौर से देखें तो हम यहां से सी का वैल्यू यहीं पे निकाल सकते हैं. यानी C प्लस 12 प्लस 18 प्लस 17 इक्वल्स टू 90. दैट मीन्स C इक्वल्स टू 43. बहुत आसान सवाल था, पर C की जरूरत थी हमें नहीं. तो अब यहां पे ध्यान से समझिएगा. चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Y एंड Z आर इन द रेशियो 4:5. ओके भाई, Y है 4:5 और Z है 5:5. So let's say that 4x and 5x. ये आपको पता है कि आपका जो z है वो already 90 given है. तो x की value आपकी कितनी आ जाएगी? 18. That means आपका जो y की value आएगी, y की value 4 × 18 which is 72. Alright. अब हमें यहाँ पे कह रहा है then find the value of b. Clearly हमें पता है इतना पूरा टर्म हमारा जो है ये पूरा टर्म 72 के बराबर होगा. यानी हम बोल सकते हैं क्या, हम अगर हम जरा गौर से देखें, मैं इरेज कर दूं ताकि आपको दिखाई दे. ठीक है, लेट मी यूज दिस. लुक एट दिस, ये जो आपका पूरा टर्म होगा, ये जो पूरा टर्म होगा ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा पूरा 72 के बराबर. ओके, तो हम ये बोल सकते हैं 16 प्लस 18 प्लस 17 इज इक्वल प्लस बी इज इक्वल टू 72. अब ये गौर से देखिए, ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 51. कुल मिला के 51 प्लस बी इज इक्वल टू 72. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ बी इज 21. तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा. बहुत आसान सवाल था, ध्यान से समझिए, कोई गलती की गुंजाइश नहीं. अगला सवाल, अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कैसे करेंगे. तो गौर से देखिए, कह रहा है nx. पहले मैं एक काम करता हूं, इस सबको लिख लेता हूं. पेन नहीं चलाने वाला होता इन सब क्वेश्चंस में, इजी तरीके से हो जाता है. ठीक है, देखिए कह रहा है nx. ओके, और फिर उसके बाद ny, nz और n x इंटरसेक्शन y, y इंटरसेक्शन z, z x इंटरसेक्शन z. तो हम इसे एक काम करते हैं, हम इनको इसके साथ कर लेते हैं. ठीक है, n x इंटरसेक्शन y, देखो ये समझाने का तरीका है. फिर उसके बाद प्लस, अब यहां पे n y इंटरसेक्शन z. ओके, फिर अगेन प्लस n z माइनस n x इंटरसेक्शन z या z इंटरसेक्शन x. ओके चलो, तो हमें यहां पर मिल गया. ओके, अब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए. आपको पता है इतने टर्म की वैल्यू कितनी होगी, जरा गौर से देखो. अगर हम देखें यहां पर तो आपको समझ में आएगा. देखो अगर हम x की बात करें तो कंप्लीट x आपका ये होगा. ठीक है, कंप्लीट x आपका ये होगा. ओके, कंप्लीट x आपका ये हुआ. अब कंप्लीट x में से आपको सबट्रैक्ट क्या करना है, जरा गौर से देखिए. सबट्रैक्ट आपको करना है इंटरसेक्शन वाला, तो आप ये पोर्शन सबट्रैक्ट करेंगे. तो आपने जब इस पोर्शन को सबट्रैक्ट किया, देखो ये सब आप वेन डायग्राम के समझने के ऊपर है, ये जब आपने इस पोर्शन को सबट्रैक्ट किया तो यू हैव बीन लेफ्ट विथ ओनली दिस वैल्यू a एंड 12. तो ये आपका हो जाएगा a प्लस 12. ओके चलो, यानी हमारे पास a प्लस 12 वैल्यू आ गई. अब दूसरा वाला देखो, चलो दूसरा वाला देखते हैं. अगर हम दूसरे वाले की तरफ नजर डालें तो हमें पता चलेगा कि आप जरा गौर से देखिए, ny की अगर हम बात करें तो ये पूरा हो जाएगा. ओके, पूरा ny हो जाएगा, ये आपका पूरा ny हुआ. देखो बहुत ध्यान से समझना इसको. और इस पूरे ny में से आप y इंटरसेक्शन z को निकाल रहे हैं, तो y इंटरसेक्शन z कौन सा होता है, ये वाला टर्म. जब आपने इस टर्म को हटाया तो आपके पास b प्लस कितना बचा भाई, आपके पास b प्लस कितना बच रहा है,
बी प्लस आपके पास 16 बच रहा है, तो बी प्लस 16। अब तीसरा वाला आप देखें, एन जेड माइनस इंटरसेक्शन क्या है, एन जेड माइनस एक्स इंटरसेक्शन जेड। ओके, तो चलो अब हम ये देख लेते हैं। तो अब जेड में से आप क्या करोगे, हटाओगे, तो ये पूरा जेड है, सपोज कर लो ये पूरा जेड है। ओके, ये पूरा जेड हुआ। अब इसमें से आपको हटाना क्या है, इसमें से आपको हटाना है एक्स इंटरसेक्शन जेड। तो एक्स और जेड कहां है, यही ये टर्म। तो आपने ये टर्म जब हटाया तो आपके पास बचा सी प्लस 17। ओके, तो आपके पास सी प्लस 17 जब आया तो आप इजी फॉर्म में लिख सकते हैं सी प्लस 17। ओके, अब आपको पता है, यहां पर जरा गौर से देखिए, एक्स प्लस जेड आपने कर लिया ना, ठीक, एक्स प्लस जेड हो गया, सी प्लस 17, ए प्लस 16 और बी प्लस कितना हो जाएगा, ए प्लस 12 था। ऑलराइट, ए प्लस 12 था तो हमने यहां से निकाल लिया। अब जरा गौर से देखिए, अब यहां पे है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, तो एक ही हुआ 18, ठीक है 18। लेकिन एक और बात समझिए, यहां पर C प्लस 17 को आप लिख सकते हैं क्या, क्योंकि C की वैल्यू आप 43 निकाल चुके हैं, तो ये पूरा हो जाएगा 60। तो ये कितना हो गया, 60 प्लस 88 प्लस 16। ओके, यहां पे जरा गौर से देखिए, 88 प्लस 16 आप कितना निकालेंगे, ऑलराइट, सॉरी ये 30 हुआ, 30 और हां एग्जैक्टली 30 हुआ, 90 प्लस 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 106। यानी जो फाइनल आंसर आएगा ए प्लस बी प्लस 106 आएगा। देखिए मुझे ये समझाने के लिए इतना रुकना पड़ रहा है, कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। ओके, मुझे सिर्फ समझाने में आपको ध्यान देना पड़ रहा है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंग्स टू नाइदर एक्स नॉर वाई नॉर जेड इज इक्वल टू पी, यानी ये जो टर्म होगा, यानी जो x और y और z तीनों में से बिलोंग नहीं करता है, यानी यूनिवर्सल वाला, उसे हम p कहेंगे। तो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, तो भाई इधर समझो, अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकाल ले हो x का, तो पहले x को तो छुपाओ, यानी x में से एक भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, तो ये पूरा एलिमेंट यहां से चला जाएगा, यहां से आप कोई भी एलिमेंट नहीं ले पाएंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही तो होता है ना भाई, एक्स का कॉम्प्लीमेंट यानी एक्सेप्ट एक्स सब आना चाहिए। तो क्या आएगा, बी क्या आएगा, 17 क्या आएगा, सी 43 क्या आएगा, पी, तो ये हो जाएगा पी प्लस बी प्लस 60, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो ये सेशन सिर्फ वेन डायग्राम के ऊपर था, वेन डायग्राम के लिए था, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइस। लेकिन ये बात ध्यान में रखिए कि आपका 17 तारीख को सीडीएस के लिए, 17 दिसंबर को सीडीएस का वेबिनार है, टाइम आपको बता दिया जाएगा विद इन अ डे। ओके, एक दो दिन में आपको टाइम जरूर बता दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है गाइस, जरूर अटेंड कीजिएगा, क्रैश कोर्स से रिलेटेड है, सीडीएस 21 का टारगेट हमने रखा है, क्योंकि इस वक्त सबसे पहला एग्जाम आपका सीडीएस का है, आफ्टर दैट एनडीए एग्जाम विल बी अराइव। ओके, सो ये हम एक नया इनिशिएटिव लेकर आए हैं गाइस, मस्ट अटेंड दिस सेशन। ओके, सो कीप वॉचिंग डी गोड एग्जाम डिफेंस, टिल देन थैंक यू, जय हिंद।